तो नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ इस टाइम अयोध्या में। जैसा कि आप देख सकते हैं, अयोध्या में हूँ गाइस, और ये राम जन्मभूमि है, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है गाइस। और आज मैं आया हूँ अयोध्या में गाइस, तो इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि अयोध्या में आप कितने कम बजट में और कहाँ कहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं गाइस। और सभी मंदिरों को दिखाऊंगा, जैसे कि हनुमान गढ़ी हो गया और प्रभु राजा दशरथ जी का जो कि महल हो गया, और बहुत सारे जो कि यहाँ पे मंदिरें हैं गाइस, उन सब मंदिरों को मैं विजिट कराऊंगा। तो आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा गाइस। और अभी मैं इस टाइम सरयू नदी के किनारे हैं, जैसे देख सकते हैं गाइस। तो अभी हमने तुरंत आए थे, अभी रेलवे स्टेशन से हम लोग आए थे, तुरंत स्नान किया। स्नान करने के बाद गाइस तो चलते हैं, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी पुरानी चीज़ें, पौराणिक चीज़ें देखने को मिलती हैं गाइस। देख सकते हैं पुराना मंदिर, और ये काफ़ी खतरनाक व्यू लगता है, पब्लिक भीड़ रहती है गाइस। और अभी आइए हम चलते हैं उस साइड से, आपको दिखाएंगे कुछ वहाँ का व्यू और इस घाट का फ्रंट कैमरे से, तो आप लोग देखिए। तो गाइस, अगर आप लोग भी अयोध्या आने का प्लान बना रहे हो, अगर 200-300 किलोमीटर के रेडियस में रहते हो, तो आप आराम से बस से पहुंच सकते हो। रोड वगैरह काफ़ी अच्छी हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी अयोध्या में रेलवे स्टेशन है, और यहाँ आप ट्रेन से भी आ सकते हो, और नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो लखनऊ में है, तो जो कि अराउंड 136 किलोमीटर है, और आप लखनऊ से आ सकते हो तो 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। अयोध्या में भी एयरपोर्ट है, लेकिन अभी वो इनएक्टिव है। तो अभी मैं आ गया हूँ राम की पैड़ी घाट पे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल घाट है। जैसे भी आप एंट्री लेंगे, सबसे पहले आपको घाट दिखेगा। अगर आप अयोध्या जब भी आ रहे हैं, तो पहले यहाँ पर स्नान करना पड़ेगा आपको। सरयू जी में स्नान करने से गाइस ऐसा माना जाता है, जो कि आपके पाप होते हैं वो सारे धुल जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों 9 लाख दिए जलाए जाते हैं दीपावली पे, जो कि गिनीज ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड है। तो दोस्तों, हम लोग सरयू स्नान करने के बाद अयोध्या की गलियों में से जाते हुए हनुमान गढ़ी की तरफ, क्योंकि ऐसा यहाँ पे माना जाता है कि श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने से पहले हनुमान जी के दर्शन करने पड़ते हैं हनुमान गढ़ी में गाइस। तो हम लोग हनुमान गढ़ी की तरफ जाते हुए, और ये अयोध्या में भी काम चल रहा है गाइस, जो कि मंदिर बन रहे हैं और सड़कें भी चौड़ी हो रही हैं, इसलिए अभी सारे मकानों को तोड़ दिया गया है, जो कि सड़क के अगल बगल मकाने हैं, दुकानें थी, इसलिए आपको ऐसा देखने को मिलेगा, और यह जल्द ही बन जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं, ये जो है ये हनुमान गढ़ी मंदिर है, हम लोग जा रहे हैं गाइस, और आपको वहाँ पहुँच के ता है। जब रामचंद्र जी रावण को मार के लौटे थे, तब हनुमान जी उनके साथ अयोध्या आ गए थे, और ये जगह हनुमान जी की घर हुआ करता, तब से हनुमान जी के नाम से जानी जाती है। और हनुमानगढ़ी में आकर हनुमान जी समाधि ले लिए थे। हनुमान जी यहाँ पे रह के पूरे अयोध्या की रक्षा करते हैं। यहाँ पे यह भी मान्यता है कि आपको राम जी के दर्शन करने से पहले हनुमान जी के दर्शन करने पड़ेंगे गाइस। फाइनली अभी ये पीछे आप देख रहे हैं हनुमान गढ़ी, और हम लोग गए थे अंदर हनुमान गढ़ी के अंदर गाइस, तो दर्शन हो गया। दर्शन होके अभी हम लोग आए हैं बाहर, और ये देख सकते हैं गाइस, दादा लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और अभी हम लोग जाएंगे दशरथ महल जाएंगे, और फिर और उसके आगे जाएंगे, और सारी मंदिर हैं तो वहाँ विजिट करेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा गाइस। देख सकते हैं जो कि दशरथ महल है अंदर, अभी इसके अंदर हम जाएंगे गाइस, और आपको वहां चाल के व्यू दिखाते हैं गाइस, क्या कैसा रहता है। ये देख सकते हैं गाइस, ये दशरथ भवन है। तो आइए गाइस चलते हैं, देख सकते हैं गाइस भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यहां पे, और हम जा रहे हैं, देख सकते हैं गाइस, देख सकते हैं ये अंदर का व्यू कुछ है, जो कि देख सकते हैं गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ये दशरथ महल है गाइस, और अंदर चल के आपको कुछ व्यू दिखाते हैं, देख सकते हैं गाइस ये जो कि इधर का कुछ ये व्यू, जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है, और यहाँ पे लोग खाना वाना भी बना रहे हैं, और ये देख सकते हैं अंदर का कुछ अलग ही नज़ारा है। और यहाँ पे कुछ दशरथ भवन है, राम जन्मभूमि है,
यही सब है पुरानी प्रक्रिया, हम लोग आते हैं हमेशा आते हैं और सब लोग आते हैं। तो गाइस देख सकते हैं जैसा कि बाबा जी बता रहे हैं, यहाँ पे लोग आते हैं और ये दर्शन करके चले जाते हैं और देख सकते हैं काफ़ी यहाँ का खतरनाक व्यू है गाइस, और धूप काफ़ी तगड़ी हुई है। और आइए अंदर चल के दिखाते हैं कुछ यहाँ का व्यू। 50 या 100 मीटर की दूरी पर है हनुमानगढ़ी से, और इस महल की स्थापना दशरथ जी ने त्रेता युग में करवाई थी। दशरथ महल को उसी जगह बनवाया है जहां दशरथ जी का एक्चुअल घर था, और यह महल एक सिद्धपीठ भी है, और इस महल को आप मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया है। और मंदिर के अंदर आपको राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया की प्रतिमा दिखाई देगी। तो गाइस यहाँ से अभी राम जन्मभूमि जाने का रास्ता था, तो अभी हम गए थे गाइस, तो वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए हम वहाँ पे शूट नहीं कर पाए। लाकर में फ़ोन रख के फिर वापस चले आए थे गाइस, तो इसलिए नहीं जा पाए गाइस। तो वहाँ पे कैमरा, फ़ोन या कुछ भी एक्टिविटी, मतलब कुछ भी चीज़ें वहाँ पे अलाउड नहीं है गाइस, तो नहीं ले जाने देते, चेक करते हैं, तो यहीं लाकर में रखवा दिए थे। तो अभी चलते हैं हम लोग उस साइड का अल्लाह मंदिर दिखाएँगे आप लोग, तो आप लोग हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए गाइस। राम जन्मभूमि के बाद दोस्तों हम लोग गए कनक भवन। ऐसा माना जाता है कि कनक भवन माता कैकेयी ने सीता मैया को मुंह दिखाई के रूप में दिया था। अब इसमें सीता जी और राम जी की प्रतिमा है, जहां दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन के लिए, और जो कि कनक भवन है वो काफ़ी भव्य है। अगर आप लोग अयोध्या आ रहे हो तो कनक भवन में ज़रूर विजिट करें। तो गाइस आप लोग शाम को सरयू आरती ज़रूर विजिट करिए, हम लोग विजिट कर। आप लोग, तो गाइस अभी आप देख सकते हैं हमने ये श्री राम प्रभु, श्री रामचंद्र जी का जो कि मंदिर था अयोध्या में, हमने सारी जगह विजिट कर लिया गाइस, और जगह नहीं जा पाया गाइस, क्योंकि क्या कहते हैं ये जो अभी अयोध्या में गाइस अभी काम चल रहा है, जो कि मंदिर पूरी तरह से बना नहीं, इसलिए हम लोगों को वहाँ फोन अलाउड नहीं था। जितना अलाउड था हमने आपको वहाँ पे विजिट करवा दिया गाइस ब्लॉग में। तो ये देख सकते हैं अभी हम रेलवे स्टेशन पे हैं, और अभी हमारी ट्रेन है और शाम को, तो हम लोग अभी आने वाले हैं, और दादा लोग वहाँ पे हैं अभी बैठे हुए हैं। तो गाइस अभी हम पूरी रात यहीं पे रहेंगे, और अपनी तन्हाइयों के साथ, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर रेलवे स्टेशन पे टहलते रहते हैं गाइस। तो गाइस अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय, टेक केयर।